हेलो एवरीवन, आज ढाबा स्टाइल में मिक्स वेज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट इसका आएगा। घर पर आसानी से आप इसे बना सकते हैं और जो बेसिक से मसाले हम डेली यूज करते हैं उससे ही ये बन जाएगा। स्पेशल मसाला इसमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे जरूरी काम जो हमें करना है वो है सब्जियों को फ्राई करना। ढाबे पर जो सब्जी बनाई जाती है मिक्स वेज की, उसमें सब्जियों को फ्राई करके डाला जाता है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप सब्जियों को फ्राई जरूर करें। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें ये दो मीडियम साइज के आलू है जिसे छील लिया, धो लिया और इस तरह के छोटे क्यूब्स में काट लिया है। बहुत छोटे टुकड़े भी नहीं करने हैं, नहीं तो जब हम सब्जी बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल एकदम मैश हो जाएंगे और घुल से जाएंगे। तो थोड़े खड़े खड़े रहें, अलग अलग रहें, इसलिए बहुत छोटे भी नहीं करने हैं और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं रखने हैं टुकड़े। इस तरह के मीडियम टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले आलू डालते हैं। फ्लेम मीडियम रखी है और इसी के साथ ये थोड़ी सी गाजर ली है। ये ऑरेंज वाली गाजर है, इसे पकने में थोड़ा सा समय लगता है इसलिए मैं इसे आलू के साथ ही फ्राई कर लूंगी। आप चाहें तो सब सब्जियों को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं। और जो लाल वाली गाजर होती है वो जल्दी पक जाती है तो उसे आप अलग से फ्राई करें। मैं इसे आलू के साथ ही फ्राई करने वाली हूँ तो ये गाजर भी इसमें डाल देंगे। सब्जियां इसमें आप अपने पसंद से ले सकते हैं, जो भी आपको सब्जियां पसंद हो उन्हें आप डाल सकते हैं। आलू और गाजर को हम लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आलू पर एक हल्की सी कोटिंग आ जाएगी, गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका हो जाएगा और गाजर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। गाजर और आलू फ्राई हो गए हैं, गाजर सॉफ्ट हो गई है और आलू पर भी लाइट गोल्डन कलर की एक लेयर आ गई है। इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़े से गोभी के फूल लिए हैं, अच्छी तरह से साफ कर लिया, धो लिया और उसके बाद इसके इस तरह के फूल निकाल लिए हैं तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। गोभी को भी 5 मिनट के लिए लगभग हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, सॉफ्ट हो जाएगी गोभी। गोभी को भी 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो गया है और सॉफ्ट भी हो गई है। इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसे हमने आलू और गाजर निकाले थे। सभी सब्जियों को एक साथ ही रख लेंगे फ्राई करके। अब इसमें ये बीन्स हैं जिसे इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटा है। सभी सब्जियों को आपने मीडियम साइज के टुकड़ों में ही काटना है, बहुत ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं रखने हैं। तो ये बीन भी हम इसमें डाल देंगे और इसे लगभग 2 मिनट के लिए पहले फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए बीन को फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ये 2 शिमला मिर्च है जिसे इस तरह से क्यूब में काट लिया है। सब्जियां सब अलग अलग समय में पककर तैयार होती है इसलिए एक साथ हम इन्हें फ्राई नहीं कर सकते। अगर एक साथ फ्राई करेंगे तो कुछ सब्जियां जल जाएंगी और कुछ अधपकी रह जाएंगी, कुछ ज्यादा पक जाएंगी, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए आप सब्जियों को इस तरह से अलग अलग ही फ्राई करें तो ज्यादा अच्छा होगा। शिमला मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च डालकर इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ये मटर है, ताजी मटर के दाने मैंने लिए हैं तो इसे भी फ्राई कर लेते हैं। आधा कप के करीब ये मटर के दाने हैं। मटर को फ्राई करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मटर डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसे हम और फ्राई कर लेंगे सभी सब्जियों को। मटर डालकर 2 मिनट के लिए इसे और फ्राई कर लिया है। शिमला मिर्च, बीन और मटर दोनों अच्छी तरह से पक चुके हैं, फ्राई हो गए हैं तो इसे भी हम निकाल लेंगे। 150 ग्राम के करीब पनीर लिए है, इसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो पनीर कच्चा भी डाल सकते हैं लेकिन हल्का सा फ्राई करके ही डाल रही हूँ मैं, इससे बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। पनीर को भी हल्का सा फ्राई कर लिया है, देखिए हल्की सी परत आई है इससे बिल्कुल। बस इसी तरह से फ्राई करना है, इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। पनीर को फ्राई करने के बाद कढ़ाई में हमें सिर्फ 2 या 3 टेबलस्पून के करीब ही ऑयल चाहिए, बाकी का एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तो 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। आप चाहें तो इसमें 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। जीरे को चटकने देंगे और मसाले भी हल्के से भून जाएं। फ्लेम हम इस समय मीडियम रखेंगे।
मसाले हल्के भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जिसे बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन है। आप ताजा कूट कर डालें या कद्दूकस करके डालें, पेस्ट यूज करेंगे तो ढाबे वाला टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, मिक्स करेंगे। और अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालेंगे 8 से 10 काजू हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन आपने ढाबे पर जब मिक्स वेज खाई हो तो देखा होगा उसमें काजू जरूर डालते हैं, तो ये मैं डाल रही हूँ 8 से 10 काजू। और इसी के साथ 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं बारीक चॉप करके लिए हैं, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक। अगर नमक का आइडिया इस समय आप नहीं ले पाते तो आप बाद में भी नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक इस समय डाल देंगे तो टमाटर जल्दी पक जाएंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे और ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो बीच बीच में खोल के इसे चला दें जिससे मसाला जले नहीं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब फ्लेम हम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए और इसमें से 1/2 मसाला हम प्लेट में निकाल लेते हैं। 1/2 मसाला हमने प्लेट में निकाल लिया है। इसमें अगर इस तरह के खड़े मसाले आए, बड़ी इलायची वगैरह, तो इसे आप निकाल दें, इसे हमें नहीं पीसना है। और ये जो बाकी का मसाला है इसे हम पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। आधे को हम इसी तरह से रखेंगे और आधे का पेस्ट बनाएंगे। इससे दरदरा सा टेक्सचर आएगा सब्जी का और बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा। तो इसे हम थोड़ा ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। मसाले को ठंडा करके इस तरह से पेस्ट बना लिया है और गैस वापस से ऑन कर लिया है। अब इसमें ये जो हमने सब्जियां फ्राई करके रखी थी ये डाल देंगे। सब्जियों को हमने बचे हुए मसाले में डाल दिया है। फ्लेम इस समय लो टू मीडियम रखी है और इसमें अब डालेंगे हम कुछ मसाले। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ये कच्चे जीरे का पाउडर है, भुना जीरा पाउडर नहीं है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर भी अच्छा आएगा और तीखा भी बैलेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा। हरी मिर्च भी हमने डाली थी। अब इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब पानी, इससे मसाले एकदम जलेंगे नहीं। और इसे मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। मसालों को सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मसालों को लगभग 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। मसालों के साथ सब्जी को भून लिया है। अब इसमें जो ये पेस्ट हमने मसालों का बनाकर रखा था ये डाल देंगे। ग्रेवी में सब्जी को मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी को मिक्स कर लिया है सब्जी में। अब इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। थोड़ी लटपटी मैं रख रही हूँ, जिस तरह से आपने ढाबे पर देखी होगी, हल्की सी लटपटी सी सब्जी होती है मिक्स वेज की, एकदम ड्राई भी नहीं होती और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होता उसमें। तो जितनी भी जैसी भी ग्रेवी आप रखना चाहें उस हिसाब से इसमें पानी डाल लें। मैं लगभग 1/2 कप से भी कम इसमें पानी डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे और ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जियां वैसे तो पकी हुई हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भी कसर अगर उसमें होगी तो वो पक जाएगी। सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे। एक बार इसे चला देते हैं हल्के हाथ से और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब फ्रेश क्रीम, या आप घर की मलाई जो होती है उसको भी फेंट कर डाल सकते हैं। दो टेबलस्पून के करीब ये है। ये फ्राई किया हुआ पनीर भी अब हम इसमें डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी है, इसे इस तरह से हाथ से क्रश करके तब डालें। मिक्स करेंगे सभी चीजों को अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे वापस से और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे। 1 मिनट के लिए सब्जी को और पका लिया है और ये देखिए ऑयल किस तरह से ऊपर आ गया है, बिल्कुल ढाबे पर जैसे सब्जी मिलती है उसमें भी ऊपर इसी तरह से ऑयल आता है। सब्जी बनकर तैयार है। लास्ट में हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया।
बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट इस सब्जी का आएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे ना, बार बार आप ऐसे ही बनाएंगे, तो एक बार रेसिपी को ट्राई जरूर करें, और ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।